नमस्कार दोस्तों, आपका ज्ञान टेक चैनल में स्वागत है। और आज के साथ आज आपके लिए मैं लाया हूँ ब्रिलियंट का एक बिजनेस रेगुलेशन का बुक, जो कि बिजनेस लॉ के भी नाम से जाना जाता है, जो कि MBA के फर्स्ट सेमेस्टर में इस बुक का ज़रूरत होता है हर लोगों को। यदि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर बुक चलता है, मैं आपको इस बुक का कुछ फ्रंट पेज दिखाता हूँ। बिजनेस रेगुलेशन बिजनेस लॉ, जो कि इस 6th एडिशन का रिवाइज एडिशन का इसका साइट का देख सकते हैं, कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। और मोटी ज़्यादा बुक नहीं है ये, ठीक ठाक मीडियम साइज़ की है। बैक का इस तरह का आपको मिल जाता है। आपको इसके अंदर का कंटेंट हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सेकेंड हैंड बुक लिया हूँ, इसलिए ज़्यादातर इसमें टिक लगा हुआ है। तो इसमें कंटेंट जो है देख लीजिए, आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कौन सी ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था वो भी इसमें दिया गया है। तो आपको मैं चैप्टर वाइज बता देता हूँ। तो सबसे पहला चैप्टर जो दिया द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और दूसरा जो चैप्टर है द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और तीसरा चैप्टर जो दिया गया है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। आप देख सकते हैं, बात करते हैं इसमें अब काइंड्स ऑफ कंपनीज भी दिया है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और शेयर्स कैपिटल के बारे में भी दिया है। और पचवा जो चैप्टर है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो बात करते हैं कि इसमें पहला चैप्टर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का कंटेंट इसमें देखने को मिल जाएगा और आपको समझ में आएगा कि नहीं। तो इसको मैं तो ये बात करते हैं, दिया है इंट्रोडक्शन, तो आप पढ़ के समझ सकते हैं कि आपको समझ में आ रहे हैं। बहुत आसान भाषा में दिया, आप आसानी से इस बुक को पढ़ के समझ सकते हैं। और बात करते हैं कि इस बुक का प्राइस कितना है मार्केट में, तो मार्केट में आपको 270 के आसपास मिल जाना चाहिए ये बुक। तो ये बुक का बैक देख लीजिए, फ्रंट देख लीजिए, और ये बुक आपको कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको किसी भी बुक का अगर रिव्यू चाहिए होगा, कितना प्राइस है, कौन सी बुक किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में।